हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सिटी एसपी दरभंगा योगेंद्र कुमार के हाथों सम्मानित हुई महिला पुलिस पदाधिकारी और महिला पुलिसकर्मी। महिला दिवस के अवसर पर इन्हें सम्मानित किया गया, नगद राशि से इन्हें सम्मानित किया गया, साथ ही इन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। महिला थानाध्यक्ष लहरिया सराय थाना सीमा कुमारी सम्मानित हुई। इनके साथ ही पुलिस अवर निरीक्षक नुसरत जहां, खुशबू कुमारी, पूजा कुमारी, श्वेता कुमारी, रिंकू कुमारी, सोनी कुमारी समेत कई महिला पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को मिला सम्मान। पुलिस बल में दरभंगा पुलिस परिवार में उन महिला पुलिस अधिकारियों को और पुलिस कर्मियों को चिन्हित किया है जिन्होंने बहुत ही लगन से मेहनत से काम किया है दरभंगा जिले का, दरभंगा पुलिस का मान सम्मान ऊंचा रखा है। मैं आपको विस्तृत तौर पर बताना चाहूँगा हमारी जो टीम है हमारे साथ में, आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है सब इंस्पेक्टर सीमा कुमारी का, जो कि वर्तमान थाना अध्यक्ष हैं महिला थाने की। इन्होंने एक अभी हाल ही में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कांड दर्ज हुआ था पॉक्सो एक्ट के अंदर। इन्होंने बहुत ही मेहनत से 10 दिनों के अंदर सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था, 10 दिनों के अंदर चार्जशीट भी कर दी थी और ये मामला स्पीडी ट्रायल में भी हम लोग ने दे रखा है। इसमें बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन करी उन्होंने, साइंटिफिक एविडेंस भी कलेक्ट किया और हमें उम्मीद है कि जल्दी हम लोग इसमें कन्विक्शन भी कराएंगे। तो इस बहुत ही बढ़िया इनके द्वारा किए गए काम के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। दूसरा नाम है सब इंस्पेक्टर नुसरत जहां का, ये लहरिया सराय थाना में पोस्टेड हैं। इन्होंने लहरिया सराय में कुछ काफ़ी लंबे समय से जो पेंडिंग केसेस थे NDPS के, आर्म्स एक्ट के, शराब तस्करी के, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल केसेस थे और कई दिनों से लंबे थे, इनका कई वर्षों से लंबे थे, तो आदेश के अनुसार इन्होंने उनका डिस्पोजल किया है जल्दी, जिससे कि लहरिया सराय थाने में जो पेंडेंसी थी वो तेजी से घटी है उसके बाद। तो इस सराहनीय काम के लिए इनको प्रोत्साहित किया गया है। तीसरा नाम है महिला कांस्टेबल खुशबू कुमारी का, ये वर्तमान में पेंशन शाखा में पोस्टेड है। इन्होंने पेंशन शाखा के काम को काफ़ी अच्छे से स्ट्रीमलाइन किया है और यही वजह है कि हमारे पेंशन शाखा में इस वक्त काम जो पेंडिंग काम है, लंबित काम है, वो ना के बराबर है। तो इस लगन से किए गए इनके काम के लिए इनको प्रोत्साहित किया गया है। चौथा नाम है महिला कांस्टेबल पूजा कुमारी का, ये वर्तमान में SSP ऑफिस में पोस्टेड है। इनका काम वहाँ पे स्ट्रिक्ट ड्यूटी का है। जो फरियादी जनता दरबार में आते हैं, चाहे वो बूढ़े हों, जवान हों, बच्चे हों, सभी को अच्छे से बैठाना, उनके दर्द को सुनना, उनको पानी पिलाना और उनको एक लाइनबद्ध करके उनके आवेदन को वरीय अधिकारियों के सामने रखना, ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काम है। आपको मालूम ही है कि कोई भी जब आता है पुलिस से मिलने, तो यदि कोई बढ़िया से उसको सुन ले, उन्हें एक गिलास पानी पिला ले, तो उनकी आधी समस्या इसलिए सॉल्व हो जाती है। तो पूजा कुमारी ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया, इसलिए उनको प्रस्तुत किया गया है।